Uh, you, you know it, right? Hopefully, good. वेट सो so, इसीलिए हम बिना समय व्यर्थ किए हुए हम सीधा पढ़ते हैं बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट की सीरीज़ पर जहाँ पे हम नेचुरल डिजास्टर्स इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे लेक्चर नंबर वन में हमने डिज़ास्टर से एसोसिएटेड जो बेसिक डेफिनेशन है वो की थी लेक्चर नंबर टू में जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है जो लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ टू और किस प्रकार से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फिर स्टेट के लेवल पर फिर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर और लोकल अथॉरिटीज़ कैसे उसके साथ एंगेज होती है वो किया था आज और नेक्स्ट लेक्चर में थ्री और फोर के अंदर हम स्पेसिफिकली डिजास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे नेचुरल डिजास्टर्स कौन कौन से होते हैं और भारत का इंडिया का वल्रेबिलिटी प्रोफाइल मतलब कि इंडिया के किस जोग्राफिकल एरिया में कितना किस डिजास्टर का खतरा होता है वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल अब इंडिया का जो ज्योग्राफिकल मैप है इट इज सो वाइड कि इंडिया इज वन ऑफ वर्स्ट डिजास्टर प्रोन कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड इंडिया की लैंड के ऊपर हर तरीके का डिजास्टर हिट कर सकता है अर्थक्विक हिट कर सकते हैं सुनामी हिट कर सकता है साइक्लोन हिट कर सकता है एंड देन देर आर बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल का जो खतरा बायोलॉजिकल वेपन्स का जो खतरा रहता है लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स ड्रॉट्स ऑलमोस्ट एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ काइंड ऑफ जो डिजास्टर्स होते हैं जो आपदा होती है वो इंडिया की जियोग्राफिकल लैंड पर कहीं ना कहीं पर होने का खतरा रहता है एंड हेंस हमें डिजास्टर मैनेजमेंट की प्रिपरेशन किसी भी दूसरे कंट्री से ज्यादा करनी पड़ती है हम इंडिया इज वलरेबल टू लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल डिजास्टर ऑल्सो टू ह्यूमन मेड डिज़ास्टर्स ऑल्सो क्यों क्योंकि हमारा जो जियो क्लाइमेटिक कंडीशन है और जो सोशल कंडीशन है वो बड़ी ही यूनिक है अब एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते हैं कोरोना कोरोना इज ए डिजास्टर विच इज़ ए बायोलॉजिकल डिजास्टर एक वायरल डिजास्टर है अब अगर हम इंडिया और न्यूजीलैंड को कंपेयर करें तो न्यूजीलैंड का जो वनरेबिलिटी प्रोफाइल है वैन इट कम्स टू वायरल डिजास्टर्स काइंड ऑफ कोरोना काइंड ऑफ तो वो बहुत ही ईजी है वहाँ पर कम रिस्क है पूरे के पूरे देश में सिर्फ पचास लाख लोग हैं एंड दे आर दे आर इकोनॉमिकली वेल टू डू तो उनके पास रिसोर्सेज हैं उसको हैंडल करने के लिए वेर इज इंडिया हैज मोर देन वन थर्टी करोड़ पीपल लिविंग इन क्लोज क्वार्टर्स यहाँ पे हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है इलिटरेसी है एजुकेशन नहीं है एनहेंस वी बिकम मच मोर वलनरेबल टू सच काइंड ऑफ बायोलॉजिकल डिजास्टर्स सो यू अंडरस्टैंड किस प्रकार से डिफरेंस होता है और सोशो इकोनॉमिक कंडीशन भी इफेक्ट करते हैं कि कोई कंट्री या कोई पॉपुलेशन किसी भी डिजास्टर से कितना ज्यादा वलमरेबल हो सकती है पैंतीस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में मिला के सत्ताईस ट्वेंटी सेवन ऑफ द मार्ट डिजास्टर प्रोन इसका ये मतलब नहीं है कि जो बाकी आठ बचे वहां पर डिजास्टर होता ही नहीं है बस प्रोफाइल के अंदर ये और भी ज्यादा सीरियस है देखिए हमारा देश जो है जोग्राफिकली स्पीकिंग पांच डिस्टिंक्टिव एरियाज में पांच डिस्टिंक्टिव एरियाज में डिवाइडेड है सबसे पहला जो हिमालयन रीजन हो गया दूसरा एल्यूवियल प्लेन्स यानी कि जो गंगा प्लेन्स हैं फिर हिली पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुला जो डेकन पेनिनसुला का पार्ट है एंड द कोस्टल जोन एंड देन द फिफ्थ वन इज द डेजर्ट इन सब की अलग अलग डिस्टिंक्टिव अपनी अपनी प्रॉब्लम है हर एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल क्लाइमेट के अंदर एक अलग प्रकार का डिजास्टर्स ज्यादा खतरा पैदा कर सकता है जैसे हम बात करें अगर हिमालयन रीजन की तो हिमालयन रीजन पर अर्थक्वेक्स और लैंडस्लाइड्स आने की ज्यादा संभावनाएं नाउ व्हेन वी से कि वहां पे अर्थक्वेक्स और लैंडस्लाइड्स ज्यादा आएंगी इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरा डिजास्टर वहां पे स्ट्रक नहीं कर सकता एनीथिंग कैन बी स्ट्रक मतलब वहां पर अर्थक्वेक आते हैं लैंडस्लाइड आते हैं लेकिन अगर हम 2013 की बात करें तो केदारनाथ की फ्लड्स भी बहुत ही ज्यादा डिवास्टेटिंग थी उनचास फोर्टी तो से भी अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी एंड इट वॉज अ मैसिव फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत डिस्ट्रक्शन हुई थी तो यानी कि जो हिली एरियाज है वहां पर फ्लड भी हिट कर सकती है अर्बन फ्लड भी हिट कर सकती है बट फ्लड्स इज ए मच मोर प्राइली प्राइमरी प्रॉब्लम विद दी प्लेन्स जो कि बिहार या उत्तर प्रदेश के जो वेस्ट बंगाल के जो एरिया है जहाँ पे एनअली दो एरियाज आर अफेक्टेड बाय फ्लड्स डेजर्ट पार्ट जो हमारे देश का है वहाँ पे ड्रॉट्स और फैमींस तो अगर हम महाराष्ट्र के एरिया की बात करें जो थोड़ा सा सूखा जहाँ पर पड़ता है रेगिस्तान की जो बात करें राजस्थान की बात करें मध्य प्रदेश के कुछ इलाके हैं जहाँ पर ड्रॉट्स ज़्यादा खतरा पैदा करते हैं और कोस्टल जोन हर साल किसी न किसी प्रकार का साइक्लोन जो होता है बे ऑफ बंगाल में आता है और उड़ीसा वेस्ट बंगाल वाले जो एरियाज है उनको हिट करता है स्टॉम्स वहाँ पर समुद्री तूफान आ जाते हैं इन ए वेरी रेयर सिचुएशन वंस और ट्वाइस एक दोनामी कम कम जैसा बहुत बड़ा खतरा भी आ सकता है सो द आइडिया इज दैट की डिफरेंट डिफरेंट जो देश के जोग्राफिकल एरिया है वो डिफरेंट डिफरेंट डिजास्टर से प्रोन है अब ये जो मैप है यहां पर आपको नेचुरल हेजर्ड दिखेगा हेजर्ड और डिजास्टर में मैंने आपको डिफरेंसिसक्चर नंबर वन में बताया था काइंड ऑफ अ रिस्क जिसकी पोटेंशियल है डिजास्टर बनने की इट इज नॉट येट डिजास्टर इट इज ए सीचुएशन इट इज एन इवेंट इन दायरमेंट जैसे कि पहाड़ पे जाते हैं तो अब वहां पर अगर पहाड़ जो बहुत ही ज्यादा इंक्लाइंड है और वहां की मिट्टी ढीली होने लग रही है और वहां पर साथ में बारिश भी हो रही है तो वहां पर हैजार्ड पैदा हो गया है लैंडस्लाइड का अब जब लैंडस्लाइड हो जाएगी और अगर कोई डैमेज होता है प्रॉपर्टी को या ह्यूमन लाइफ को देन इट वुड बी कंसिडर्ड ए डिजास्टर सो लुक एट द मैप स्पेसिफिकली ये जो येलो कलर में है दीज आर ऑल दी एरियाज जहां पर सूखा यानी कि ड्रॉट पड़ने की, की ज्यादा संभावना रहती है पूरा का पूरा गुजरात महाराष्ट्र का एरिया हो गया कर्नाटका आंध्र प्रदेश के जो इंटीरियर एरियाज है ओडिशा का एरिया उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो ये पूरी की पूरी बाउंड्री लाइन है बिहार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जहां पर एक जगह पर कंफ्लुएंस करते हैं ये सारा का सारा एरिया है ड्रॉट प्रॉन एरिया यानी कि देश में सबसे ज्यादा जो सूखा है वो यहां पे पड़ता है मतलब कि यहां पर पानी की कमी होने की संभावना बहुत रहती है और यहां पर उस अच्छी प्रकार से मानसून भी नहीं आते हैं एंड देन दिस इज हॉट डेजर्ट ये तो पूरा का पूरा है इट इज एक्चुअली ये तो ईजिली आइडेंटिफाइड है राजस्थान पूरा का पूरा रेगिस्तानी है वेस्ट वाला एरिया तो बिल्कुल ही रेगिस्तानी है कोल्ड डेजर्ट ये वाला एरिया है सिर्फ कोल्ड डेजर्ट्स का एंड देन देर आर सम सेक्शंस ऑफ द कोल्ड डेजर्ट्स इन द नॉर्थ ईस्ट एरिया आल्सो फ्लड प्रोन ये जितना भी एरिया हम देखें नदन गैंगेटिक प्लेन्स का दैट इज कंसीडर्ड एज ए फ्लड प्रोन और यहाँ पर भी अंदर साउथ में भी जहां से मेजर रिवर्स बहती है अब ये आयरनी देखिए लुक एट द आयरनी ऑफ द सिचुएशन देर आर एरियाज ऑफ़ इंडिया जहाँ पे फ्लड्स का खतरा है एंड देर आर एरियाज ऑफ इंडिया जहाँ पे ड्रॉट का खतरा है एंड दे लिव साइमल्टेनियसली यानी एक जगह पे पानी की इतनी कमी है कि पानी पीने को नहीं मिलेगा और एक जगह पर पानी इतना ज़्यादा है कि वो पूरे गांव को बहा लेता है दैट्स वाई वी आर इन दी टॉप मोस्ट टेन मोस्ट डिजास्टर प्रोन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड एरिया अफेक्टेड बाई साइक्लोन और स्ट्रॉन्ग ये जो स्पेसिफिकली एरिया है हमारा बात करें तो यहाँ पर साइक्लोन से स्ट्रांग से भी इफेक्ट होता है यहां पर फिर दोबारा से क्लाइमेटिक डिजास्टर्स मैप को एक बार फिर दोबारा से देखें बट इट इज द सेम मैप जो कि इसमें कुछ नई चीज आपको नहीं मिलेगी अब यहाँ पर अगर हम देखें हम एक एक इंडिविजुअल डिजास्टर को पढ़ेंगे विल 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 स्टडी 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 साइक्लोन ईच एंड बार ठीक है सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे देश के जो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है वो एटलीस्ट सिक्सटी परसेंट बी प्रोसाइज फिफ्टी एट पॉइंट सिक्सेंट ऑफ इंडियाज लैंड मास इज प्रोन टू अर्थक्वेक्स ऑफ हाई इंटेंसिटी यानी किसी भी गिवन टाइम पे 60 परसेंट ऑफ इंडिया का एरिया ऐसा है जहां पर अर्थक्विक आ सकता है वो भी मॉडरेट से हाई इंटेंसिटी का तो वी विल सी दी मैप बट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई देखिए जो ये एरियाज़ होंगे पहाड़ी जो एरियाज होते हैं यहाँ पे जो अर्थ की जो प्लेट्स होती हैं उनकी मूवमेंट सबसे ज़्यादा होती है पहाड़ कैसे बनते हैं पहाड़ ऐसे बनते हैं जब दो अर्थ की जो नीचे की जो प्लेट्स होती है कॉन्टिनेंट्स की वो एक दूसरे के साथ टकराती है और जब वो टकराती है तो एक दूसरे को पुश करती है एंड दे रेज द ग्राउंड अबव सी लेवल उसी से पहाड़ बनते हैं और वो एक प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूसली चलता रहता है उसकी वजह से जहाँ पर भी पहाड़ होते हैं जो यंग पहाड़ होते हैं वहाँ पर भूकंप आने का खतरा रेगुलर बना रहता है जो रिलेटिवली जोग्राफिकली ओल्ड एरिया होते हैं राइट बहुत हज़ारों सालों से तो जो डेकन पठार है देवर माउंटेन वंस लाइक मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर्स अगो बट अब जियोलॉजिकली वो ज्यादा स्टेबल है तो ऐसे एरिया में भूकंप आने का खतरा कम होगा सो वेन वी मैप द अर्थक्वेक वलरेबिलिटी प्रोफाइल सिक्सटी परसेंट ऑफ द इंडियाज कंट्री आता है जहां पर खतरा है अर्थक्वेक का चालीस मिलियन हेक्टेयर कम से कम बारह परसेंट ऑफ द इंडियाज लैंड इज प्रोन टू फ्लड्स अगर हम फ्लड्स की बात करें तो ये पूरा का पूरा जो गैंगेटिक प्लेन्स का है एंड देन सम रिवर्स इन दी सदर्न रीजन ऑल्सो फ्लड्स आने का वहां पर खतरा रहता है मोर देन टसेंट ऑफ द एरिया अच्छा हमारे देश की जो कोस्टल लाइंस हैं उसमें से सत्तावन सौ किलोमीटर्स मतलब टोटल लाइन है पिछहत्तर सौ सो सोलह किलोमीटर सारे आइलैंड्स की कोस्टल लाइन और हमारी जो लैंड मास है उसकी कोस्टल लाइन को लगा के पिचत्तर सौ सोलह किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है जिसमें से स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई किया गया है कि फिफ्टी सेवन हंड्रेड किलोमीटर्स साइक्लोन्स और सुनामी से सबसे ज्यादा वर्नरेबल है अच्छा फ्लड से ज्यादा खतरा देखिए हमारे पास ड्रॉट्स का है 68 परसेंट ऑफ इंडिया लैंड इज वलनरेबल टू ड्रॉट्स और हिली एरियाज जो होते हैं जितने भी हिली एरियाज हैं दे आर ऑब्वियसली ऑलवेज रिस्क रिस्क एट द रिस्क ऑफ द लैंड स्लाइड यहाँ पर एवेलैंस भी आ सकते हैं बर्फ गिर सकती है बहुत सारी जिससे नुकसान हो सकता है ह्यूमन लाइफ का भी ह्यूमन प्रॉपर्टी का भी इसके साथ साथ ये सिर्फ ये तो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल है एंड देर आर सम मोर देन देर आर ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज ऑल्सो हम डेमोग्राफिक प्रेशर्स हैं एक कंट्री के अंदर मतलब वी आर दी सेकेंड हाइएस्ट पॉपुलेशन एनवायरमेंटल कंडीशन खराब होती जा रही है और इन सबको सस्टेन करने के लिए डिफॉरेस्टेशन बढ़ता जा रहा है डेवलपमेंट जो है अनसाइंटिफिक हो रही है और ये जो अनसाइंटिफिक डेवलपमेंट के जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस uh, है अर्बन फ्लड्स में देखने को मिलते हैं हर साल चेन्नई में पूरी की पूरी फ्लड आ जाती है मुंबई में फ्लड आ जाती है गुड़गांव डेली जयपुर ये सारे के सारे सिटीज़ जो रेगुलरली अब फ्लड होने लग गए हैं दिस इज़ द रीज़न क्यों क्योंकि अनसाइंटिफिकली डेवलपमेंट की जा रही है जहां मन किया रोड बना दिया जो वेटलैंड्स uh, थे जो वाटर को सोखा करते थे जो मानसून जो पानी को जो ड्रेन्स थे उन सबको क्लोज कर दिया गया एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ख़राब हो गई हैं जैसे कि पूरे के पूरे एनसीआर एरिया में विंटर्स का जो महीना होता है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशनस हो जाता है क्योंकि एनसीआर के चारों तरफ जो हरियाणा वेस्ट यूपी जो पंजाब के जो क्या नाम है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है वो इस समय थोड़ी सी ज़्यादा नुकसान ज़्यादा देने लग गई है अर्बनाइजेशन अनप्लैंड हो गई है बड़े बड़े डैम्स बना दिए गए हैं रिवर चैनल्स पे जो कि नेचुरली पानी को बहा लिया जाए करते थे लेकिन उस फ्लो को अब रोक दिया गया है एंड दैट एक्चुअली गेट्स फ्लड और जो पास के गांव और शहर है वो फ्लड हो जाते हैं इसकी वजह से सबसे पहले तो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो गया एज वी अंडरस्टैंड डिजास्टर तभी होगा जब वो ह्यूमन्स को इफेक्ट करेगा एन एरिया जहां पे फ्लड आई है लेकिन कोई इंडिविजुअल था ही नहीं सो दैट इज नॉट ए डिजास्टर फॉर का पूरा समुद्र पानी से ही तो भरा पड़ा है, लेकिन उसको डिजास्टर नहीं कहते और उसके साथ -साथ इन की भी बढ़ गई है एक्सट्रीम इवेंट क्लाइमेट की सो नेचुर ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज ऑल्सो इंडिया को एक डिजास्टर प्रोन एरिया बनाती है अब हम ये क्लासिफिकेशन जो है नेचुरल डिजास्टर्स की वो पहले से ही पड़ चुके हैं दिस इज़ नॉट डिफिकल्ट क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली आप बिना सोचे भी गैस कर सकते हो बट देर आर फोर टाइप्स ऑफ एक तो एटमोस्फेरिक है यानी एयर से रिलेटेड है एक टेरिस्टेरियल यानी कि लैंड से रिलेटेड एक एक्वेटिक यानी वाटर से रिलेटेड तीन एलिमेंट होते हैं लैंड वाटर एयर उन तीनों से रिलेटेड स्पेसिफिकली अलग अलग प्रकार के डिजास्टर्स होते हैं एंड देन देर इज अनदर वन बायोलॉजिकल वी हैव बिन लिविंग इन अ बायोलॉजिकल डिजास्टर फ्रॉम लास्ट टू ईयर्स एयर ब्लेजर्स थंडर स्ट्राम्स लाइटनिंग साइक्लोन होता है टोर्नेडो होता है हेल स्ट्रॉम ओले पड़ जाते हैं हीट वेव हो जाती है कोल्ड वेव हो जाती है ये सारे की सारी चीजें क्योंकि एटमॉस्फेरिक फिनोमिनाज पे इफेक्ट की वजह से होती है तो दीज आर कॉल्ड एज द एटमॉस्फेरिक डिजास्टर्स नेचुरल डिजास्टर्स टेरिस्टीरियल अब अर्थक्वेक अगर अर्थक्वेक आता है और अर्थक्वेक स्पेसिफिकली समुद्र के अंदर आया तो दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड ए टेरिस्टीरियल डिजास्टर दैट वुड बी कंसिडर्ड ए एक्वेटिक डिजास्टर क्यों क्योंकि वो अर्थक्वेक डैमेज नहीं करेगा इन इट रादर वो एक सुनामी वेव क्रिएट करेगा जिसकी वजह से डैमेज होगा कोस्टल एरियाज़ में तो सुनामी एक एक्वेटिक वाला है लैंडस्लाइड्स, एवेलैंड सोयल इरोजन, सबसिडियंस यानी कि जब धरती धस जाती है नीचे एंड देन एक्वेटिक पानी से एसोसिएटेड फ्लड है टाइडल वेवस है ओशियन करंट्स है स्ट्रॉम का सर जाता है जब समुद्री तूफान आता है तो पानी और कोस्टल uh, एरियाज में अंदर uh, शहरों में घुस जाता है ये सारे का सारा एंड बायोलॉजिकल यू कैन ऑलवेज गेस कि भाई लोकस्ट का कोई इन्फेस्टेशन हो गया है कोई बैक्टीरियल डिजीज़ फैल गई है कोई वायरल डिजीज फैल गई है बर्ड फ्लू हो गया है डेंगी टाइप की चिंकनमूनिया टाइप की जो चीज़ें हो जाती है टिल द टाइम दे आर नॉट अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल तो डेंगी जैसे एनुअली कहीं ना कहीं पर होता है तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एज सच बट अगर वो इस स्केल पर हो जाए कि बहुत मेजर रिसोर्सिस को यूज करना पड़े उसको कंट्रोल करने के लिए दैट वुड बी कंसिडर्ड ए डिजास्टर अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अर्थक्वेक को वाई क्योंकि ये सबसे ज्यादा डेंजरस डिजास्टर होता है द रीजन बींग इज दैट आउट ऑफ ऑल द डिजास्टर्स इट इज द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल एंड इट इज दाई हाईली डिस्ट्रक्टिव ऑफ ऑल दैचुरल डिजास्टर्स ऐसा नहीं है कि और डिजास्टर ज्यादा डैमेज नहीं कर सकते सुनामी भी इससे ज्यादा डैमेज कर सकता है लेकिन सुनामी में देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको एक घंटे की आधे घंटे की दो घंटे की वार्निंग दी जा सकती है अर्थक्वेक कम्स विदाउट अ वार्निंग बिल्कुल पांच सेकंड पहले ही पता चलता एक्चुअली में अर्थक्वेक का पता तब चलता है जब पूरा का पूरा घर हिलने लग जाता है सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेडली डिजास्टर एंड आयरन इज दैट कि देर इज नो वे इट कैन बी प्रिडिक्टेड वी हैव नो सिस्टम जो कि अभी तक इसको प्रिडिक्ट कर सकता है सो इट जस्ट हैपन्स इसके लिए सिर्फ प्रिपेयर किया जा सकता है एंड देन उसके बाद जब ये इवेंट घटता है देन उसके बाद ही इसके ऊपर रिस्पॉन्स दिया जा सकता है तब अर्थ को एक स्पेसिफिकली आर ऑफ टेक्टोनिक रिलीज टेक्टोनिक का मतलब ये होता है कि जो जमीन के नीचे अर्थ हमारी जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है उसकी वजह से किसी चीज को ओरिजिन में आना तो अर्थ क्विक्स लैंड है या ये पूरे पूरे के पूरे अर्थ का का जो बाहर का हिस्सा है वो अलग अलग प्लेट्स में बटा हुआ है और दो प्लेट्स मूव अराउंड वो एक दूसरे के साथ मूव करती हैं मूव करती हैं तो जैसे कि एक सिंपल सा तरीका है ना सो देर आर इफ देर आर टू प्लेट्स ऐसे दो प्लेट्स है अलग अलग दो प्लेट है इस प्रकार से आप यहां पर इसके ऊपर बैठे हुए हो और ये मूव कर रही है कभी एक दूसरे के साथ मूव कर रही है अगर ये एक दूसरे को टकराएंगी तो ये देखो ऐसे पहाड़ ऊपर खड़ा कर देंगी अगर कुछ नीचे चले जाएगा अगर ये साइड में मूव करेगी ये जो मूवमेंट्स हैं ऑल दीज मूवमेंट्स स्पेसिफिकली क्रिएट्स काइंड ऑफ सेवरल स्ट्रेस स्ट्रेस क्रिएट करती है इन दोनों के अंदर देखो स्ट्रेस का मतलब यह है जब मैं इन दोनों को पुश कर रहा हूं सो मेरा साइड से दोनों हाथों से फोर्स लग रहा है और फोर्स और ज्यादा बढ़ते बढ़ते इज वन मोमेंट जब ये गिव अप कर जाती है और एक दूसरे से टकरा के शेप बदल लेती है तो जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस बिल्ड हो जाता है सो प्लेट्स प्लेट्स टेक्टोनिक चेंजेस दी शेप शेप और जब वो चेंज होती है तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करती है दैट दोज एनर्जी एनर्जी वो energy कर देती है जहां पर भी अगर अर्थक्वेक होता है ये सबसे ज्यादा डिवास्टेटिंग होता है ऊपर से इसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है एक अर्थक्वेक अगर गुजरात में आ, इवेंट हुआ है गुजरात में अगर अर्थक्वेक होता है तो उसके जो वाइब्रेशन है वो दिल्ली तक में मुंबई तक के अंदर फील की जा सकती हैं इतना मेजर इसका एरिया ऑफ इंपैक्ट होता है अब अर्थक्वेक्स इसलिए होते हैं क्यों क्योंकि जो अर्थ की जो मूवमेंट्स हैं जैसे ये जो मूवमेंट्स हो रही हैं प्लेट्स के हमारे पैरों के नीचे 50-60 किलोमीटर नीचे एकदम एक सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होती है टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से जो कि अर्थ क्रश में हो रही है यूजुअली एज कंपेयर टू डी

कैन एक्चुअली क्रिपल द इकॉनमीज पूरे देश की इकोनॉमीज को क्रिपल किया जा सकता है अगर किसी बहुत मेजर सिटी के नीचे एक हिट कर जाए लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ टेक्टोनिक रीजन की वजह से नहीं होते हैं। सिर्फ प्लेट मूवमेंट देर आर अदर रीजन ऑल्सो इट्स अ क्वेश्चन क्या क्या रीजन होता है अर्थक्वेक होने का तो यह मैं सोचना सिर्फ प्लेट से होता है देखो वॉलैनिक इप्शन कई बार बहुत रॉक फॉल लैंड स्लाइड सब्सिडेंस माइनिंग एरिया के अंदर कई बार पूरी की पूरी जमीन धस जाती है उससे भी आते हैं जो रेजर इंड्यूसड जो हमने बड़े बड़े से डैम बना लिए हैं उस पर एक ही जगह पर इतना ज़्यादा पानी इकट्ठा कर लिया गया है कि उस वेट की वजह से भी कई बार थोड़े थोड़े अर्थक्वेक होते हैं लेकिन वो यूजुअली जो इन बाकी इवेंट्स की वजह से जो अर्थक्वेक्स होते हैं उनका स्केल बहुत ज़्यादा नहीं होता है ठीक है उनका स्केल और एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस और जो डैमेज वो करते हैं वो रिलेटिवली कम होता है अगेन दिस इज रिलेटिव एंड यू कैन ईजिल फिगर आउट कि सर अगर वो डैम टूट गया और वो पानी सारा का सारा कहीं पर बह के पॉपुलेशन में पहुंच गया तो डैमेज तो अलग लिमिट पर हो जाएगा राइट right? लेकिन इन जनरल जो अर्थक्वेक होते हैं उनका जो स्केल होता है टू थ्री रिक्टर स्केल पर ज्यादा होता है तो उससे डैमेज बहुत ज्यादा नहीं होता बट जो टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स होते हैं वेन दे हिट एन एरिया ऑफ पॉपुलेशन डिवास्टेशन इज इम्पॉसिबल कॉज ऑफ जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारी अर्थ क्रस्ट की प्लेट्स हैं वो बेसिकली अलग अलग प्रकार से मूव करती हैं एक दूसरे के रिलेशन में तो ये जो प्लेट्स की मूवमेंट्स हैं जब ये प्लेट्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आती हैं तो उसकी वजह से राइज होता है स्ट्रेस इट्स ए वेरी सिंपल यू कैन इजीली ट्राई टेक टू बुक्स और एनीथिंग ओके बुक्स करो लो और इन दोनों को एक दूसरे के साथ यहां टकराओ अब एक लिमिटेड फोर्स लगाओ अब एक लिमिटेड फोर्स है सो दे आर एक्चुअली नॉट गिविंग अप बट आफ्टर अ वाइल दिस स्ट्रेस दैट यू आर बिल्डिंग अप विल गिव अप और ये डिस्टॉर्ट हो जाएंगी मनुपुलेट हो जाएंगी एंड देन दे विल रिलीज अ लॉट ऑफ या तो एक इसके ऊपर चढ़ जाएगी या एक उसके नीचे चढ़ जाएगी ये है सिंपल अर्थक् होने का तरीका अब यहाँ पे आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या कि जो ये प्लेट्स होती हैं दे मूव इन रिलेशन विद ईच अदर और तीन तरीके की मूवमेंट होती है जैसे कि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म पुलिंग अवे फ्रॉम ईच अदर जब ये प्लेट्स एक दूसरे से अलग मूव करती हैं तो इसको कहा जाता है डाइवर्ज दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम ईच अदर उसकी वजह से बीच में कभी कभी इवेंट आएगा जो कि स्ट्रेस पैदा करेगा और एनर्जी रिलीज होगी अर्थवे

जो प्लेट्स uh, की मूवमेंट्स होती है ठीक है डाइवर्जेंट एक दूसरे से दूर जाना कन्वर्जेंट एक दूसरे के पास आना और ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म का मतलब एक दूसरे के रिलेटिवली अपोजिट मूव करना साइडवेज मूव करना दिस इज दी ओनली क्वेश्चन जो कि आपसे प्लेट मूवमेंट्स के कॉन्टेक्स में पूछा जा सकता है इस एग्जाम के अंदर अब जह, जहां जहां इन बाउंड्रीज पर जो ये एरिया ऑफ स्ट्रेस मिलता है यहां पर धीरे धीरे ना एनर्जी अक्यूमुलेट होती रहती है स्लिप करती है रप्चर करती है और फॉल्ट बन जाते हैं तो दो जो प्लेट्स हैं हमारी अर्थ क्रस्ट के नीचे दे आर मूविंग ईधर टूवर्ड्स ईच अदर इधर अवे और इधर साइडवेज धीरे धीरे जो ये जहां पर भी ये दो प्लेट्स मिलती है इस चीज को कहते हैं फॉल्ट लाइन ओके सो इफ आई सी दिस बुक और यहां पे ये जो बुक है इस जहाँ पे ये मिल रही है इस चीज़ को कहेंगे फॉल्ट लाइन ये फॉल्ट लाइन वो जगह होती है जहाँ पे कांटेक्ट हो रहा होता है दो प्लेट्स का एंड दिस दिस इज प्लेट दिस इज द एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस बिल्ड होता है ये यूजुअली सबसे ज्यादा अर्थ को एक आने की संभावना रखता है ए रपच्चर देन अकर्स अलॉन्ग द फॉल्ट एंड द रॉक रीबाउंस अंडर इट्स ओन इलास्टिक स्ट्रेस अंटिल द स्ट्रेन इज रिलीव्ड ये जो इम्पैक्ट पड़ रहा था एक दिन किसी ना किसी दिन वो सारा का स्ट्रेस बिल्ड हो जाता है एंड आफ्टर अवाइल वो टूट ही जाएगा मम्मी जिस रस्सी के ऊपर कपड़े सुखाती है वो चलता रहेगा वो एक साल दो साल तीन साल बट यू विल रियलाइज़ कि अगर वो दो तीन साल से है वो धीरे धीरे चाहे उसको लोहे की डाल लो चाहे वो लोहे की तार डाल लो कपड़े सुखाने वाली वो धीरे 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 नीचे होने लग जाती है धीरे धीरे नीचे होने लग जाती है वाई बिकॉज द आर बिल्डिंग अप एंड दो यूजली हमें पहले से पता चल जाता है बट अगर उसको इनफ टाइम दिया जाए 10 साल 20 साल 25 इट विल गिव अप वन डे एक दिन टूटेगी जरूर वो जस्ट बिकॉज कि आप उस उसपे सिर्फ रेगुलरली कपड़े सुखा रहे थे 50 100 200 ग्राम के इसके बावजूद भी इतना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है ये तो प्लेनेट कॉन्टिनेंट चेंजिंग स्ट्रेस होते हैं ये फॉल्ट जब रप्चर करता है तो ये इतनी वाइब्रेशंस पैदा करता है जिनको सी वेव्स कहते हैं और जो ये सी वेव्स जाती हैं ये पूरे के पूरे ग्राउंड को शेक करती हुई जाती है एंड दिस इज व्हाट अर्थक्विक इज जो ये सी वेव्स नहीं हो जस्ट बिकॉज कि ये वेव्स होती हैं सी वेव्स हैं तो ये ग्राउंड को वाइब्रेट कर रही है अगर ये नहीं हो तो वो बिल्डिंग्स नहीं गिरे अर्थक्विक का डैमेज जो होता है इफ़ यू आर स्टैंडिंग इन अ वेरी ओपन फील्ड इन दी अर्थक्विक तो देर इज ए पॉसिबिलिटी आपको कोई डैमेज नहीं होगा अंटिन्यूलैस जमीन फटे और आप उसमें गिर जाओ बच जाओगे सिर्फ वाइब्रेशंस की वजह से ग्राउंड की वाइब्रेशन से आपको चोट नहीं बचेंगी अर्थकोक में डैमेज इसलिए होता है बिकॉज दो बिल्डिंग्स जिनमें हम रहते हैं शहर जो होते हैं उस बिल्डिंग्स टूट जाती हैं सारी की सारी प्राइमरली जो लॉस ऑफ लाइफ होता है अर्थक्वेक्स को यूजुअली मेजर किया जाता है सो व्हेन एन अर्थक्वेक्स अर्थक्स तो उसको जैसे आप गाड़ी चलाते तो स्पीड होती है कोई 10 किलोमीटर की स्पीड 25 की 40 की 60 की 70 की राइट सो वी कैन ऑलवेज कैलकुलेट कि कौन कितनी स्पीड से जा रहा है उसी प्रकार से अर्थक्वेक को भी एक यूनिट दी गई है उसको मेजर करने के लिए दो मेजरमेंट के स्केल है एक को कहा जाता है रिक्टर स्केल दूसरा होता है मर्कैली स्केल ये दो रिक्टर स्केल का आपने नाम सुना होगा छ रिक्टर स्केल के छः मतलब सिक्स अर्थ सिक्स मैग्नीट्यूड का अर्थ अर्थक्वेक आया है सेवन का आया है एट का मैग्नीट्यूड आया है सो so अगर आप सुनते आठ तो you can, you, you कि आठ मैग्नीट्यूड का अर्थ अर्थक्वेक आया तो यू कैन यू यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि इट्स अ मेजर अर्थक् बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना हो जाती है तो दो तरीके से नापा जाता है तो जैसे किलोमीटर पर आर या माइल्स पर आर उसी तरीके से अर्थक्वेक को या तो रिक्टर स्केल पर नोटिस करेंगे या मर्केली स्केल पर नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट एक प्री का क्वेश्चन है पूछो इसके अंदर रिक्टर स्केल जो होता है वो अर्थक्वेक को नापता है उसके मैग्नीट्यूड को लेकर और मर्केली स्केल जो होता है उसको नापते हैं इंटेंसिटी के बेसिस पर इन दोनों में क्या फर्क है सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी का देखिए जो रिक्टर स्केल है वो कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव है रिक्टर स्केल अर्थक्वेक की एनर्जी को नापता है ठीक है तो अगर एक दो तीन चार पाँच छे सात आठ नौ दस सो आप सीधा सीधा बता सकते हो कि जो चार रिक्टर स्केल पे जो चार का अर्थक्वेक है और रिक्टर स्केल पे जो पांच का अर्थक्वेक है इन दोनों की एनर्जी में दस गुना एनर्जी का फर्क है तो जिसमें जैसे चार में सपोज करो एक हजार किलो जूल्स की एनर्जी रिलीज हुई थी तो जो पांच है उसमें दस हजार किलो जूल्स की एनर्जी रिलीज होगी जो छ है उसमें एक लाख किलो जूल्स की एनर्जी रिलीज होगी जो सात है उसमें दस लाख किलो जूल्स की एल्गोरिथमिक स्केल है इट मल्टीप्लाइज बाई टेन एवरी टाइम वी जम्प ए वन यूनिट ठीक है ये हो गया सिंपल ऑब्जेक्टिव अब ये कहीं पर भी हो चाहे समुद्र के नीचे हो चाहे जमीन पे हो चाहे पॉपुलेटेड अनपॉपुलेटेड एरिया में हो चाहे माउंटेन्स में हो इट ओनली कैप्चर्स द एनर्जी रिलीज बाय द अर्थक्वेक अब मर्केली स्केल जो है वो थोड़ा सा इंटेंसिटी के ऊपर बेस्ड है यानी कि इट्स ए स्लाइटली सब्जेक्टिव मर्केली स्केल जब अर्थक्वेक पे डालते हैं तो दिस गिव्स यू डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कि डिवास्टेशन कितनी हुई है जो रिक्टर स्केल की मेजरमेंट है उससे आपको डिवास्टेशन नहीं पता चलेगी ठीक है दर इज अ पॉसिबिलिटी कि सेवन रिक्टर स्केल का जो अर्थक्वेक uh, है वो हो सकता है आठ रिक्टर स्केल के अर्थक्वेक से ज्यादा डैमेजिंग हो क्यों क्योंकि जब ये सेवन वाला हुआ था तो ये पॉपुलेटेड एरिया में हुआ एट वाला हुआ था रिलेटिवली नॉन पॉपुलेटेड एरिया में हुआ तो दे विल नॉट गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिवास्टेशन इट ओनली गिव्स यू अबाउट द पावर ऑफ द अर्थक्वेक मरकेली स्केल इंटेंसिटी डिफाइन करता है यानी कि सब्जेक्टिव जजमेंट देता है डिवास्टेशन की इन रिलेटिव टू ह्यूमंस तो अगर कहीं पर कोई अर्थक्वेक जो ह्यूमन पॉपुलेशन को कितना नुकसान करता है वो जजमेंट दी जाएगी सो यू कैन ऑलवेज बी अवेयर कि जो सेवन मरकेली स्केल पे अर्थक्वेक है और जो 8 है 8 वाला हमेशा ज्यादा डैमेजिंग है ऑफिशियली गारंटी से तो When it comes to devastation, तो मर्केली स्केल बिल्कुल डायरेक्ट फॉलो करता है जैसे ही नंबर सुनोगे इमिजिएटली पता चल जाएगा कि बहुत बड़ा डिवास्टेशन हो चुका है ना हो ये देखो कंपेरिजन मर्कैलीफेक्ट कॉज बाई द अर्थक्वेक द एनर्जी रिलीज बाई दर्थक्वेक ठीक है सो so, ये सिंपल सी बात है कि मर्केली स्केल का मतलब होता है इफेक्ट कितना डिवास्टेशन हुआ है रिक्टर का सिंपल एनर्जी कितनी रिलीज की थी ऑब्जेक्टिव डेटे वाले पे ये इसको ऑब्जर्व करके बनाया जा सकता है अब सो रिक्टर स्केल की जो मेजरमेंट होती है वो इमीजिएटली आ जाती है अर्थक्वेक होता ही एक इंस्ट्रूमेंट uh, uh, होता है सीएसमोग्राफ जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि uh, कितनी एनर्जी रिलीज हुई थी वेयर एज मर्कैली स्केल ऑलवेज डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वेशन वंस दर्थक्वेक पीपल रिसर्च साइंटिस्ट ऑब्जर्व कि क्या डैमेज हुआ है और तब उसके बाद स्केलिंग उसके बाद उसकी मेजरमेंट दी जाती है अर्थ के सरफेस पे ह्यूमन ऑब्जेक्ट मैन मेड स्ट्रक्चर कितने टूटे थे उस बेसिस के ऊपर कैलकुलेशन करती है ये नॉर्मल बेस एंड लोगेदमिक स्केल है जो कि वेव्स के एम्पलीट्यूड को कैलकुलेट करके इमीजिएटली आइडेंटिफाई कर दिया जाता है इट्स अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिस इज अ सब्जेक्टिव कैलकुलेशन ये स्केल अगर हम देखें तो जो मर्कैली स्केल है वो वन से ट्वेल्थ तक होता है

रिकॉर्ड ही नहीं होते यूजुअली, सीएसमोग्राफ उससे कुछ इफ़ेक्ट नहीं होता है तीन से होते हैं और उसके बाद मतलब हर एक एल्गोरिद्म स्केल बढ़ जाता है कि टू इंटू टेन कर दोगे तो थर्ड थ्री इंटू टेन और ये डिपेंड करता है अगर कोई छः रिक्टर स्केल के ऊपर छः सिक्स का अर्थ को एक हिट करता है तो अगर कहीं रेगिस्तान में हिट कर गया तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं हुआ बट अगर वो किसी पॉपुलेशन एरिया में हिट कर देगा तो इट माइट एक्चुअली इफेक्ट दी बिल्डिंग्स और वीकर बिल्डिंग्स को गिरा देगा किसी न किसी प्रकार का डैमेज भी कर सकता है कंसिस्टेंसी वेरीज़ डिपेंडिंग ऑन दी डिस्टेंस फ्रॉम एपी सेंटर ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर हम डिस्ट्रक्शन को कैलकुलेट कर रहे हैं तो एपी सेंटर से जितनी भी ज्यादा दूर पॉपुलेशन है उतना ही कम डिस्ट्रक्शन होने वाला है वेरीज़ एट डिफरेंट डिस्टेंसिस फ्रॉम दी एपी सेंटर बट वन वैल्यू इज गिवन टू अर्थक्वेक एज ए होल अलग अलग लेवल पर आप देखिए जैसे जो अर्थक्वेक होते हैं सबसे ज्यादा पावर यहां पर रिलीज हुई है तो जो इंडिविजुअल यहां पर खड़ा हुआ है उसको सबसे ज्यादा महसूस होगा अर्थक्वेक लेकिन जैसे जैसे जितनी जितनी दूर जाता जाएगा उतना ही अब यहां पे आने यहां पे जो इंडिविजुअल खड़ा था उसको थोड़ा और कम महसूस होगा यहां पे आने वाले को डाउट भी हो जाएगा कि पता नहीं था भी यानी मैंने तो फील भी नहीं किया कई बार ऐसा होता है ना लाइक अर्थक्वेक का फ्रेंड भी लेके अर्थक्वेक आया था तूने फील किया और आप बैठे हुए बैठ पे कहते मुझे तो नहीं पता चला ये वाली सिचुएशन है जो बेचारा दो किलोमीटर दूर होता है तो अब जो एपी पे है दिस पर्सन फील्स एन अर्थक्वेक ऑफ एट ऑन रिक्टर स्केल आठ का रिक्टर स्केल लेकिन जो इंडिविजुअल दो सौ किलोमीटर दूर है वो आठ का तो फील नहीं करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो एपी सेंटर के ऊपर जो अर्थक्वेक है वो नंबर दिया जाता है तो अगर कोई अर्थक्वेक आपने सुना है कि वो रिक्टर स्केल पे आठ का अर्थक्वेक था तो अगर वो भुज में आया है तो आठ का वहां था दिल्ली में आठ का नहीं था बट उसका नंबर अब वहीं पर माना जाएगा जहां से वो स्टार्ट हुआ था दैट इज वट द रिक्टर स्केल इज चलिए अब इंडिया जो है स्पेसिफिकली वाई आर वी प्रोन टू अर्थक्स क्योंकि हम एल्पाइन हिमालयन बेल्ट पर लोकेटेड है एल्पाइन हिमालयन बेल्ट क्या इस चीज को ये जो आप फोटो में देख रहे हो इसको कहते हैं एल्पाइन हिमालयन बेल्ट इसका कहने का ये मतलब है कि जो हमारा कॉन्टिनेंट्स हैं जो अलग अलग अर्थ क्रस्ट की प्लेट्स के ऊपर बने हुए हैं वो दो प्लेट्स एक तो ये वाली जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की है और जो ये यूरेशियन सब कॉन्टिनेंट की प्लेट है ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पर मिल रही हैं सो दिस प्लेट जिसके ऊपर इंडिया का लैंड मास है दिस प्लेट इज हेडिंग ये टकरा रही है यूरेशिया के लैंड मास के साथ यूजुअली पाँच सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से देखो बेल्ट इज इन लाइन अलॉन्ग विद इंडियन प्लेट्स जो कि यूरेशियन प्लेट से जहाँ पर मिलती है इट इज ए कन्वर्जेंट प्लेट कन्वर्जेंट प्लेट का क्या मतलब है कि अगर ये हमारी इंडिया की सब कॉन्टिनेंट की प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है तो हम एक दूसरे से टकरा रहे हैं दे आर मूविंग टुवर्ड्स इट उसी की वजह से ये बीच में खड़े होकर बड़े बड़े हिमालयाज बन गए हैं सो दिस इंडियन प्लेट इज थ्रस्टिंग अंडरनीथ द यूरेशियन प्लेट हमारी इंडिया की जो प्लेट है वो यूरेशिया के अंडर जाने लग रही है एट अ स्पीड ऑफ फाइव सेंटीमीटर पर ईयर इफ वी गो ऑन बाई दैट स्पीड बाई दाइव सेंटीमीटर पर ईयर सो दे इज अ स्ट्रॉग पॉसिबिलिटी कि वो पूरे की पूरी एक दिन हमारा पूरा इंडिया अप्रॉक्सीमेटली कुछ सत्तर अस्सी करोड़ सालों में यूरेशिया की प्लेट के नीचे घुस जाएगा दैट इज वट इट्स लकी दैट वी वुड नॉट बी अ लाइव बाई दे अब ये मूवमेंट जो है दिस मूवमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डिवलप होता है जो कि पूरा का पूरा हिमालयन रीजन में है एंड टाइम टू टाइम रिलीज होता रहता है

ठीक है जिसके अंदर बढ़ रहा है मतलब जो कोई एरिया अगर जोन टू में है तो वहां पर अर्थक्वेक आने की स... आ सकता है संभावनाएं कम है और कोई एरिया जोन फाइव में है तो दिस इज ए वेरी रिस्की एरिया भाई यहां पे भूकंप आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है तो ये बात ध्यान रखना है कि जोन वन नहीं होता है जोन टू थ्री फोर और फाइव होते हैं चार सी जोन के अंदर अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड ठीक है कितनी इंटेंसिटी का आएगा रिक्टर स्केल पे आठ का नौ का साथ आ सकता है तो वो है जोन फाइव इन द जोन टू दो या तीन के ही आने की संभावना रहती है चार तक आ जाएगा उससे ज्यादा नहीं आएगा अब जो ये है जोन फाइव सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है सबसे ज्यादा रिस्की है जिसके अंदर हम पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया बिहार उत्तरखंड हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर गुजरात ऑल्सो और हमने जो जो लास्ट टू डेकेट्स का जो सबसे डिवास्टेटिंग जो अर्थक् था वो गुजरात में आया था भुज, भुज एरिया में एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ये जो स्पेसिफिक एरियाज़ हैं दे आर इन दी जोन फाइव ऑफ दी साइस्मिक यानी पे सबसे ज्यादा बड़े इंटेंसिटी के अर्थक्यक आने की पॉसिबिलिटी है पूरा का पूरा हिमालयन रीजन इज वलरेबल और ऐसा माना जाता है कि इन नेक्स्ट फिफ्टी ईयर्स हिमालयन रीजन्स में एक मेजर अर्थक्वेक यानी आठ से भी ज़्यादा रिक्टर स्केल पे एक्सीड जो होगा उसकी आने की फुल पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है प्राइमरली जो इंडिया का जो मेजर पोर्शन है वो जोन थ्री और जोन टू के अंदर एग्जिस्ट करता है इस मैप के द्वारा आप ऑटोमेटिकली गैस कर सकते हो नाओ आई लिव इन डेली और गुड़गांव तो अगर मैं डेली और गुड़गांव को देखूँ तो डेली और गुड़गांव रहते हैं सीएसमिक जोन्स फोर के अंदर ठीक है नाउ अब आप फोटो को देखिए आप इस मैप को देखिए जिस जिस सिटी में जिस जिस टाउन में आप हो वेयर इज योर आपका कौन सा से, जोन है अर्थविक आने की कितनी संभावना है नाउ द पीपल हु आर लिविंग इन दिस ये पूरा का पूरा राजस्थान वाला एरिया जयपुर वाला एरिया जो है एंड लॉर्ड ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो लॉर्ड ऑफ राजस्थान ऑल्सो ये सबसे ज्यादा सेफ है एज फार एस दर्थ दिस होल डेकेन एरिया ये पूरा का पूरा जो डेक्कन एरिया तमिलनाडु वाला पूरा का पूरा एरिया ये कंप्लीटली सेफ ऑल्सो बिहार ओडिशा वाला नीचे का एरिया ये पूरा का पूरा एरिया है जहां पर अर्थक्वेक आने की लीस्ट पॉसिबिलिटीज है आएंगे तो इंटेंसिटी ऐसी होगी जो कि आप फील भी नहीं करोगे बट इफ यू लुक एट दिस नॉर्थ ईस्ट एरिया यह है जोन फाइव हाईस्ट एंड इफ यू लुक एट लिक दिन एरिया ऑफ द गुजरात यहां पे स्पेसिफिकली हाई रिस्क एरियाज है जहां पर अर्थक्वेक मेजर वाले बड़े आ सकते हैं सो दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो कि ऑब्जेक्टिवली आपसे पूछी जा सकती है वन इज दैट हाउ मेनी साइसमिक जोन इंडिया है फोर वन नहीं होता है टू थ्री फोर फाइव से स्टार्ट करते हैं ज द मोस्ट वनरेबल और इंडिया का अप्रोक्सिमेटली ग्यारह परसेंट एरिया है अपनी -अपनी बताओ कि कौन कौन सी सिटी में हो और कहां, -कहां पर कितना है एरिया मुंबई को भी फोर्थ में डाल दिया शायद राइट right? मुंबई इज ऑल्सो ऑन द फोर्थ ये थ्री प्राइमरली अगर आप देखोगे तो इट्स ऑल येल्लो एंड ब्लू तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ एरिया जो ये थर्ड और फोर्थ है

अर्थ आता है तो रोड तोड़ देता है तो रिलीफ और ऑल दिट्स ए वेरी डिफिकल्ट डिज़ास्टर सो दिस इज द लीस्ट मतलब जिसको रोकने की कैपेसिटी हमारे पास सबसे कम होती है तो इसकी जो प्रिपरेशन है वो प्राइमरली प्री डिजास्टर पर ही एग्जिस्ट करती है कि डिजास्टर आने से पहले हम किस किस चीज़ के लिए तैयार हो सकते हैं तो सबसे पहले हम कोशिश कर सकते हैं कि जितनी भी बिल्डिंग बनाएं उनको इस आर्किटेक्चरल डिजाइन से बनाएं कि वो अर्थ रेजिस्टेंट हो

अब कई बिल्डिंग्स हैं पुरानी गवर्नमेंट वाली जो हो सकता है कि भाई अर्थक्विक रेजिस्टेंट ना हो अब उनको रेट्रोएक्टिवली फिट करना स्टार्ट करो रेगुलेशन इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करो ताकि जो भी नई बिल्डिंग्स बने अब दस माले की कोई बिल्डिंग बन रही भाई तो उसको एनफोर्स करना है कि वो हमेशा बनाई जाए तो एक पर्टिकुलर लेवल के अर्थक्विक रेजिस्टेंस ही बनाई जाए वी नीड टू बी अवेयर एंड प्रिपेयर्ड अबाउट दी अपकमिंग अर्थक्विक हाईली अनलाइकली क्या ही अवेयर क्या प्रिपेयर करोगे अर्थक्विक के आने से वट विल बी प्रिपेयर

सुनामी, विल फर्स्ट ऑफ ऑल द गुड क्वेश्चन विच आई एम और आपको भी पूछना चाहिए वाई इज इट कॉल सुनामी क्यों क्योंकि सुनामी तो वो अगर अगर ऐसे लिखा होता तो हम कह भी सकते थे सुनामी इट इज टेक्निकली टू सुनामी टसू ठीक है तो टसू के बारे में बात करें तो टसू क्या होती है इट्स काइंड ऑफ ए सिचुएशन देखो क्या हुआ था कि 26 दिसंबर 2004 के अंदर एक बड़ा मेजर इवेंट हुआ था इंडिया में एक मेजर डिजास्टर हुआ था एक्चुअली एंड आज कितना 25 बिल्कुल अभी कल ही उसकी स्ट्रेजिडी की एनिवर्सरी है यहाँ पर इंडोनेशिया के पास समुद्र के नीचे एक नो मैग्नीट्यूड का रिक्टर स्केल पर नो मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया अब उस अर्थक्वेक की वजह से इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई कि जो वो साइस्मिक वेव्स जो वो अर्थक्वेक छोड़ता था ना क्योंकि वो समुद्र में आया था तो जो समुद्र की वेव्स थी ना वो लैंड की तरफ बढ़ने लगी अब उस समय कुछ ऐसा वार्निंग सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था लोगों को जो कोस्टल एरियाज में रहते थे उनको ये तो पता चल गया था कि अर्थक्वेक आया है बट आफ्टर टू और टू एंड हाफ आवर्स एक बड़ी सारी पानी की वेव पूरे के पूरे इस इंडिया के कोस्टल रीजन के ऊपर हिट गई दोज वेव्स जो कि समुद्र के अंदर आती हैं अर्थक्वेक की वजह से और कोस्टल एरिया को हिट करते हैं उनको कहते हैं टसुनामी टसुनामी आर लार्ज वेव्स जिनकी वेवलेंथ बहुत लंबी होती है यूजुअली अंडर सी की वजह से या फिर जो कोस्ट ओशियन के कोस्ट पर किसी प्रकार की एक्टिविटी होती है उसकी वजह से आप ये क्या नाम है यूट्यूब पर सुनामी की कोई फोटो देखिए और वो देखेंगे कितनी भयानक है किसी मूवी में देखी हो अगर आपने वो रॉक की कोई मूवी है उसमें एक्शन सीन ऑफ दिस सुनामी लॉस एंजलिस यूज़ुअली जनरेट होती है जब सी बेड लेवल के नीचे डिस्प्लेसमेंट हो जाती है बड़ी ही मेजर इट इज समथिंग एक टब पानी का भरो ठीक है एक पानी का टब भरो अब स्पेसिफिकली अगर उस पानी के टब के नीचे कुछ तो मेजर डिस्टर्बेंस कर दो बम फोड़ दो किसी प्रकार की एनर्जी रिलीज़ कर दो तो जो टब के पानी का जो सरफेस होगा वो मूव करने लगेगा राइट और जितने भी जो साइड की जो जो भी बाल्टी का या जो टब का जो एरिया है उसके ऊपर हिट करेगा पानी ऊपर हिट करके दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स इन सुनामी नीचे समुद्र के नीचे जब मेजर डिस्प्लेसमेंट मेजर एनर्जी रिलीज होती है तो जो है वो वेव्स बन जाती हैं एंड वो जो वेव्स जब तक कोस्टल एरिया पर पहुँचती हैं उनका एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाता है अर्थक्वेक जनरेट बाय दी वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर पूरे के पूरे सी फ्लोर को ऊपर नीचे कर देते हैं तो पानी इतना ज्यादा हिल जाता है सुनामीज लैंडस्लाइड से भी हिट हो सकती है वॉल्कैनिक एक्टिविटी से भी क्रिएट हो सकती है मीटियोराइट इम्पैक्ट से समुद्र के अंदर कोई बड़ा सारा सा उल्का पिंड आके गिर जाए तो उसकी वजह से भी सुनामी क्रिएट हो सकती है हवे हाँ सबसे ज्यादा डिवास्टेटिंग अगेन अर्थ वाली होती है मीटियोराइट वाली की रेयरिटी बहुत ज़्यादा है अब लैंडस्टाइड ट्रिगर्ड सुनामीज कैन बी पॉसिबल जो कि बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में हो सकता है पॉसिबिलिटी है तो दिस इज अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जो हमारा एरिया है अरेबियन सी और बंगाल सी वाला पर पे लैंडस्लाइड की वजह से भी हमने जब जनरली इमेजिन करते हैं तो सिर्फ अर्थक्वेक की वजह से आता है बट हमने हमारी जो नदियाँ हैं गैनजीज रिवर जो इंडस रिवर है इतनी ज़्यादा सेडिमेंटेशन हमने इन अरेबियन सी और इंडस रिवर बे ऑफ बंगाल के अंदर जमा कर दिए कि कभी कभी लैंडस्लाइड इतनी मेजर हो जाएगी उसके अंदर कि छोटी मोटी सुनामी आने की संभावना है सो दिस इज़ वॉट एक्जैक्टली हैपन देखो यहाँ पर बड़ा अच्छा सिस्टम है ये जैसे जैसे समुद्र के अंदर हम डीप में जाते हैं यहां पे कहीं पे अर्थक्वेक आएगा ठीक है सपोज करो एक बहुत मेजर डिस्प्लेसमेंट हुई एनर्जी रिलीज हुई तो जब वहां पर जब वेव राइज होगी तो जो उसकी लेंथ होगी ना वो बड़ी लंबी होती है अगर सुनामी के समय में अगर आप समुद्र के पास हैं ठीक है देखिए यहां पर जब सुनामी आई थी इंडोनेशिया में दिस सुनामी ट्रेवल फ्रॉम हियर टू अगर आप उस समय शिप पे यहां होते ना शिप के ऊपर थे और यहां पे, तो आपको पता नहीं चलता यू वुड नॉट नो क्यों क्योंकि वो जो वेव है, उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है इतनी लंबी लेंथ है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि बेसिकली अप और डाउन मूवमेंट हो रही है बट एज धीरे 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 जैसे जैसे ये अप्रोच धीरे धीरे कोस्ट की तरफ करती है तो इसका जो लेंथ है वो कम होती रहती है वेव लेंथ जैसे जैसे कम होती रहती है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता रहता है सो so यहां पर सुनामी की जो वेव लेंथ है वो सिर्फ 10 किलोमीटर की रह गई पर अब उसकी जो हाइट है वो 10 मीटर की हो गई है एंड व्हेन इट हिट्स द कोस्ट इसकी वेव लेंथ बहुत कम होती है लेकिन इसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से डिवास्टेटिंग हो जाती है यानी कि एक सुनामी ओशियन के अंदर किसी भी प्रकार का डिजास्टर नहीं करती है इवन दी शिप्स को इफेक्ट नहीं करेगी क्यों इतनी लंबी वेवलेंथ है उसकी 200 किलोमीटर तक की वेवलेंथ है कि पता भी नहीं चलेगा शिप को कि आ, कोई सुनामी कि दे आर एक्चुअली सिटिंग ऑन द वेव ऑफ द सुनामी शिप्स डोंट यूजअली कम टू नो अबाउट इट विदाउट सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स बट जैसे जैसे ये जो वेव है ये पास आती रहती है कोस्ट के तो जो उसकी लेंथ है वो बढ़ती रहती है धीरे धीरे जैसे लेंथ बढ़ती खुद की लेंथ कम होती रहती है और एम्पलीट्यूड बढ़ता रहता है और जब फाइनली ये राइज़ हो जाती है

ओशियनिक इवेंट सिर्फ वो एरियाज इफेक्ट होंगे जो कि कोस्टल एरियाज हैं और हमारे ईस्ट में भी और वेस्ट में भी दोनों की दोनों जो शोर लाइन्स हैं दे आर वलनरेबल टू सुनामी क्योंकि सुनामी कहीं पर भी आ सकती है दोनों अगर हम अपने इंडिया का मैप देखें तो यहाँ से भी सुनामी आ सकती है और यहाँ से भी सुनामी आ सकती है एंड दैट इज एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो हमारे आईलैंड हैं अंडमान निकोबार और जो जो हमारे लक्षद्वीप के आइलैंड है द सुनामी कैन हिट दैम ऑल्सो अगर ये उसके बारे में देखते हैं अब जो ये अगेन आइडिया इज कि ह्यूमन लाइफ को कितना डैमेज है पिचहत्तर किलोमीटर की हमारी शोर लाइन है लेकिन उस शोर लाइन के अंदर पॉपुलेशन कितने कितने पे है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 2200 टू हंड्रेड किलोमीटर ऑफ दी शोर लाइन जो कि हेविली पॉपुलेटेड है दिस इज द एरिया जो कि सुनामी आने पे इफेक्ट होता है सबसे ज्यादा जहाँ पे प्रॉब्लम होगी सुनामी अगर इंडियन कोस्ट लाइन को हिट करती है तो कम से कम यूजली एक सिक्स रिक्टर स्केल के मर्केली स्केल बहुत रेयरली यूज होता है अकेडमिकली बुक में ही होता है तो जब भी तुम कभी अर्थक्वेक की कोई फिगर सुनो 6.57 वो हमेशा रिक्टर स्केल में ही आपको बताया गया होगा एंड मर्केली स्केल में स्पेसिफाई कर कर देंगे साथ में अगर कहीं पर रैंडमली सुनो तो इट्स ऑलवेज रिक्टर स्केल तो जो दोनों कोस्टल लाइन्स हैं वहाँ के ऊपर 6.5 का अगर अर्थक्वेक हिट करेगा कहीं पे अरेबियन सी में या बेर बंगाल में तो वी माइट एक्चुअली भी हिट विद सुनामी एंड दिस इज वट दलनरेबिलिटी प्रोफाइल ऑफ आवर सुनामीज जितनी भी कोस्टल एरियाज हैं एंड ऑल्सो आवर आईलैंड एरिया लक्षदीप ऑल्सो ये सारे के सारे वलनरेबल हैं सुनामी से ये मैप देख के मेरे दिमाग में वही क्वेश्चन आया था जो आपके दिमाग में आया है कि सर ये तमिलनाडु ने यहां पर ऐसा क्या किया हुआ है कि यह पूरा का पूरा प्रोटेक्टेड हैमिलनाडु अचीव इट एंड वाई आर वी नॉट डूइंग इट विद एवरी अदर स्टेट अ वेरी गुड क्वेश्चन इट टुक मी एट लीस्ट थ्री मिनट टू रियलाइज दिस की ऐसा क्यों है फॉर्चुनेटली या फिर अनफॉर्चुनेटली यू कैन पोट इट एनी वे द रीजन वाई दिस एरिया इज नॉट स्पेसिफिकली कंसिडर्ड वनरेबल टू सुनामी इज बिकॉज देर इज श्रीलंका इन बिटवीन ठीक है तो अगर किसी भी प्रकार से सुनामी आएगी यहां से आए या यहां से आए या यहां से आए दिस इज स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ तो तमिलनाडु विल नॉट बी हिट वाई

ठीक है अगर यहाँ पर पॉपुलेशन नहीं है बहुत ज़्यादा तो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम सुनामी हिट करती रहे पानी थोड़ी देर में खुद वापस चला जाएगा समुद्र में प्रॉब्लम है कि जैसे मुंबई में हिट कर जाए चेन्नई में कहीं हिट कर जाए इन एरियाज़ में जहाँ पॉपुलेटेड लोग रहते हैं यहाँ पे आइलैंड के आइलैंड के ऊपर पानी कब पानी चला जाता है अब ये स्पेसिफिकली जब बात करें तो हमारा जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो सुनामी के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम करता है सुनामी कैन बी प्रिडिक्टेड अप्रॉक्सीमेटली वन टू 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 थ्री आवर्स पहले मतलब मिनिमम एक टाइमलाइन है डिपेंडिंग ऑन दी अर्थक्वेक की कहाँ पर होगा अगर अर्थक्वेक सपोज करो यहाँ पे है ठीक है तो ये यह तो यहाँ तो इमीजिएटली हिट कर दिया इधर तो वार्निंग मिलेगी पंद्रह मिनट की बट दैट सुनामी वेव ट्रेवल्स विद अ सर्टन स्पीड कम से कम लैसे कि 400 किलोमीटर पर आर की उसकी स्पीड होती है तो जो 400 किलोमीटर पर आर की स्पीड है दिस एरिया इज मोर देन 800 किलोमीटर तो दो घंटे पहले वी आर अवेयर द एडमिनिस्ट्रेशन इज अवेलेबल दैट अ सुनामी इज गोइंग टू हिट तो अगर यहाँ के जो भी कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे सायरन्स या हुटर्स लगा दिए जाएँ कि भाई ये तब बज रहे हैं इसका मतलब सुनामी आने वाली है सो पीपल माइट गेट अ हैड स्टार्ट ऑफ एट टू आवर्स

समुद्र के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दे आइडेंटिफाई कि अर्थ कुछ समुद्र के अंदर सीएसमिक एक्टिविटीज हुई है अर्थ को एक जनरेट हुआ है वो वेव्स को अनलाइक शिप्स वो माइनर चेंजेस इन दी वेव्स को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं जैसे ही वो वेव्स को हज़ार्ड को डिटेक्ट करते हैं वो इमीजिएटली सैटेलाइट के थ्रू वो हर जगह हर सेंटर पर यानी हर आइलैंड पे कोस्टल एरियाज में इमीजिएटली इंफॉर्मेशन भेज देते हैं कि देर हैज़ बीन अ स्पेसिफिक अर्थक्विक इंसिडेंट एंड पॉसिबिलिटी ऑफ सुनामी हैज़ जनरेटेड और अगर वो सुनामी को मेजर कर लेते हैं समुद्र के अंदर देन इमीजिएटली जहाँ जहाँ पर भी जो अर्ली वार्निंग सिस्टम लगे हुए हैं दे इन्फॉर्म द पीपल ए सुनामी इज अबाउट टू हिट विद इन फिफ्टीन मिनट्स हाफ एन आवर और वन आवर अब ट्री द प्रियम ट्री प्लांटेशन बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मेजर होता है सुनामी का इंडियन ओशियन में जब 2004 में सुनामी हिट की थी 26 दिसंबर 2004 का डिजास्टर था वो तब कई सारे एरिया ना बिल्कुल बच गए देर वर सेवरल विलेज विच वर सेव्ड वहाँ क्योंकि वहाँ पर जो पहले से ही कोकोनट पाम्स और मैंग्रोव ट्री थे ना उन्होंने सुनामी की सारी की सारी एनर्जी को Before reaching the village, before reaching the populated area, उसको कर लिया। एक वेदपत्ती, तमिल एक तमिलनाडु के अंदर गांव है जो कि उस सुनामी से, which actually was disastrous, मतलब बहुत ही ज्यादा दस पंद्रह uh, हजार से भी अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी एंड इट वॉज अ मेजर मेजर डिजास्टर उसके बावजूद भी जो नालू वेदपत्ती, तमिलनाडु का विलेज था विच वॉज इन लाइन ऑफ सुनामी ड लाइक फेस्ट मिनिमल डैमेज क्यों क्योंकि अस्सी हजार से भी ज्यादा पेड़ लगाए गए थे बस दो साल पहले शोर लाइन के ऊपर बड़े सारे से पेड़ लगा दिए थे सुनामी so को बचाने का क्या तरीका है शोर लाइन के ऊपर मैंग्रोव्स के फॉरेस्ट लगा दिए जाए आउट ऑफ द डिजास्टर्स विच इंडिया फेसेस वॉल इज द लीस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम बट बिकॉज वॉलकैनो इट से मेजर काइंड ऑफ ए डिजास्टर इंडियड अलग ही लेवल का भयानक डिजास्टर है इट हैज ड्रामेटिक इफेक्ट। है right? volcano. Uh, volcano के फटने का सीन दिखता है इंडिया को बता देता वॉलैनो को का कोई खतरा है नहीं आई थिंक सो वी हैव एनी डिजास्टर एनी रिस्क एसोसिएटेड विद वॉलैनो कैसे क्या अर्थ के क्रस्ट के अंदर आर गर्म मैग्मा भरा हुआ है अर्थ क्रस्ट है जिससे लावा गैस रॉक ऐश और स्टीम अगर एक चेंबर के थ्रू बाहर आ जाती है अर्थ सरफेस पे दैट इज कॉल्ड एन वॉलकैनो यानी कि अर्थ के अंदर के जो सब्सटेंसेस हैं लावा ऐश मैग्मा किसी एक चेंबर के थ्रू अर्थ के सरफेस पे आ जाना दैट इज वट दॉल्केनिक एक्टिविटी इज अब वॉलकैनो होते हैं तीन टाइप के अगर वो इरप्ट करते हैं तो उनको कहते हैं एक्टिव वॉल समबड़ी इज एन एक्टिव वॉल जिसमें से एशिज निकल रही हैं रेगुलरली दो तीन साल में दस साल में बीस साल में तीस साल में भी निकल गई तो भी चालीस में भी निकल गई तो उसको एक्टिव माना जाता है डॉर्मेंट वो होता है जिसमें दो सौ तीन सो सालों से तो कोई इरप्शन uh, नहीं हुई है बट जियोलॉजिस्ट नो कि इसके नीचे एक्टिविटी है और किसी भी समय ये फट सकता है दैट इज डॉर्मेंट की पॉसिबिलिटी है इरप्ट होने की बहुत सालों से नहीं हुआ है डॉमेंट है बैठा हुआ है क्या पता किस दिन फटे और इनएक्टिव मतलब दो, दो दो तीन हजार साल हो गए इनको ये उसके अंदर कोई नहीं हुई है और नीचे इनके कोई एक्टिविटी चल भी नहीं रही है तो ये इरप्ट करेंगे भी नहीं नियर फ्यूचर में इरप्ट नहीं करेंगे सो दो पास्ट आर क्वाइट और कई सारे जो एक्सटिंक्ट है दो तीन दस हजार पंद्रह हजार बीस हजार सालों से वो इरप्ट नहीं किए हैं और मोस्ट प्रोबेबली कभी करेंगे भी नहीं दिस इज वट इट इज अर्थ थिंक अर्थक्विक से रिलेटेड एक ही ट्रिविया इंफॉर्मेशन है जो आप थिंक आई थिंक आया आप लोगों को मालूम होगी क्या इंडिया में ये छह छविक एग्जिस्ट करते हैं जिसमें से ओनली एक्टिव वॉलकैनो ऑफ इंडिया एग्जिस्ट ऑन द बैरन आईलैंड इन दंडमान अंडमान आइलैंड्स के समूह में एक आइलैंड है उस आइलैंड 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 का नाम है क्यों है बैरन 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 क्यों क्यों क्योंकि क्योंकि इट इज़ पर कोई नहीं रहता। क्यों नहीं रहता क्योंकि उसके ऊपर एक वॉलैनो है जो कि कभी कभी फट जाता है तो इसकी वजह से लोगों ने सोचा कि इसके पास तो हमें नहीं रहना है वॉलैनो अकेला फटता रहता है कुछ नुकसान नहीं करता बेचारा दिस इज ओनली वन एक्टिव वॉलकैनो ऑफ इंडिया इसके अलावा ये आपको याद कर लेना चाहिए प्रिलियम्स के लिए या एम सी क्यूज के लिए कि देर आर फाइव मोर एक्सटिंक्ट ये बहुत पुराने समय में पता, एक दो दस पंद्रह बीस पच्चीस लाख साल पहले फटा करते थे अब ये नहीं फटे और नहीं फटने वाले हैं नारकोंडम और बारातंग ये तो अंडमान के ही अंदर है डेकन ट्रैप्स ऑब्वियसली महाराष्ट्र के अंदर मिलियंस ऑफ इयर्स अगो एंड दीस टू इंपॉर्टेंट धिनुधार हिल्स जो कि गुजरात में एक्स्टिंग वॉल है और धोसी हिल जो कि हरियाणा हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर पड़ता है ये धोसी हिल्स अरावलीज के अंदर एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो माना जाता है विच यूज्ड टू प्रोबेबली इरप्ट अराउंड फ्यू करोड्स इयर्स फ्यू मिलियंस ऑफ इयर्स अगो अब नहीं बिल्कुल फटना सो दिस इज द ओनली वन अब ये जो बैरन आइलैंड है वोल्केनो रिस्क इंडिया का लाइव वोल्केनो जो कि बैरन आइलैंड है वो अपने अंडमान निकोबार पे है 1991 में यहाँ पे एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी डेढ़ सौ सालों से कुछ नहीं हुआ था 1991 में ऐश और कुछ काइंड ऑफ निकलने लगा अभी रिसेंटली सबसे लेटेस्ट 2017 में भी इसके अंदर से कोई एक्टिविटी देखी गई थी गूगल पे फोटो सर्च करो उसकी फोटोज अवेलेबल है वॉल्केनिक आइलैंड अन है इसीलिए उसको बैरन कहते हैं इट इज बैरन एंड इट इज डिवाइड ऑफ वेजिटेशन सो एज फार एज एस दॉलैनोज आर कंसर्न देर इज नो रिस्क ऑफ एनी काइंड ऑफ सिचुएशन स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर हमें वॉलकैनो से ना तो कोई डैमेज हुआ है पिछले 100-200 सालों में 300 सालों में 400 सालों में ना ही किसी प्रकार का कोई डिजास्टर होने की संभावना है क्योंकि इंडिया की मेन लैंड पे सिर्फ और सिर्फ एक्सटिंक्ट वॉलकैनोज हैं। एक एक्टिव वॉलकैन है वो भी हमने आईलैंड पे चला रखा है अकेला बेचारा दुखी है प्रॉब्बली दैट वॉलकैनो इज एंगी ऑफ बींग लोन एंड नो बड़ी लिशंस ये दिस इज दैरन आईलैंड यहाँ पे अकेला इसमें से थोड़ी ऐश कभी कभी बम बम निकाल देता है टू गेट अटेंशन अटेंशन हंगरी आईलैंड नो बडी प्रोबेबली रिमेंबर्स इट एंड दैट्स इट इज वेरी एंग्री बट इट्स वॉल केनो से हमें कोई खास खतरा है नहीं सो दिस वॉज नेचुरल डिजास्टर पार्ट वन विल डू नेचुरल डिजास्टर्स और भी कई सारे हैं ड्रॉट फ्लड लैंड स्लाइड अर्बन फ्लड्स जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए उनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं have a nice day